बालों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके आसपास है, सिर्फ आपको थोड़ी सी नज़र डालने की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा हेयर ऑयल जो आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, बालों के हेयर फॉल को भी बंद करेगा और साथ साथ आपके बालों की जो भी समस्या है ना उसको काफ़ी हद तक दूर कर देगा। मैं बात कर रही हूँ महाभृंगराज ऑयल की। भाई देखो, ये जो ऑयल है ना, पहले मुझे भी इस पर विश्वास नहीं था, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जब मेरी शादी हुई, शादी होकर मैं बॉम्बे में आई, तो मेरी सासू माँ ने ये ऑयल मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि उस समय मुझे थोड़ा सा पानी चेंज होने की वजह से मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि एक नॉर्मली हेयर फॉल होता है और एक होता है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। तो इस हेयर फॉल को मैं किस तरीके से कंट्रोल करूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। उस समय मैं बहुत नाक के बराबर DIYs करती थी और मुझे इतना नहीं पता था। तब मेरी सासू माँ ने मुझे सजेस्ट किया कि ये हेयर ऑयल मैं लगाती हूँ, उनकी देवरानी लगाती है और भी जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे उन सभी ने इस हेयर ऑयल का यूज़ किया है, इस हेयर ऑयल का यूज़ किया है। और इस हेयर ऑयल के बारे में जब मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाली, इसके बारे में मैंने जाना, तो ये वाकई में इसके जो मैंने रिज़ल्ट पढ़े, जो मैंने खुद पे भी अप्लाई किया, तो वाकई में चौंका देने वाले रिजल्ट मिले। क्योंकि इस हेयर ऑयल का यूज़ मैं आज कई सालों से कर रही हूँ, कंटिन्यूसली नहीं करती हूँ। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल साफ बताऊँगी कि इस तेल का यूज़ जब मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था तब मैंने लगाना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिले थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने एक से दो यूजेस में मुझे रिजल्ट मिल गए थे। भाई देखो, कोई भी एप्लीकेशन आप करते हो ना, तो पहले आपकी स्कैल्प पे जो प्रॉब्लम है ना उसको दूर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेयर फॉलिकल कमज़ोर है तो पहले हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बाद ही आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो इस ऑयल का जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे इसके बारे में मैंने कई सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, क्या ये वाकई में मेरे बालों के लिए असरदार है कि नहीं। तो मेरी सासू माँ ने तो मुझे सजेस्ट कर दिया था, भाई देखो उन्होंने अपने टाइम पे इस ऑयल को बहुत यूज़ किया है, उनसे रिलेटेड भी जो लोग थे उन्होंने भी बहुत यूज़ किया है। सभी से मैंने इसके बारे में पूछा तो सभी ने इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव बताया। साथ साथ की खुद के मेरे हस्बैंड ने भी इसको यूज़ किया है। भाई देखो, जब भी उनको हेयर फॉल होता था ना, मतलब आप जब शेड्यूल आपका ऐसा होता है ना कि आपके पास टाइम ही नहीं होता है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर पाओ, तो आपके लिए ये जो बाहरी प्रोडक्ट होते हैं कई बार काफ़ी चमत्कार कर देते हैं और काफ़ी असर दिखा देते हैं कि आप बहुत खुश हो जाते हो। तो उनमें से मेरे एक हस्बैंड थे जिनके बाल एक टाइम पर काफ़ी गिरने लगे थे, और जब हमारा बालों का गिरना स्टार्ट होता है मोस्टली हमारा ये एरिया बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है, इफेक्ट उस पर जल्दी पड़ता है और बाल आगे से भी बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। आपने लड़कों का देखा होगा, ज़्यादातर आगे से ही बाल उनके जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये हिस्सा होता है ना, ये होता है ब्लड सर्कुलेशन का। जितना ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहेगा इस एरिया में, उतने बाल आपके स्ट्रांग रहेंगे। तो अब उनका शेड्यूल ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, जिसकी वजह से वो DIY नहीं कर सकते थे या इनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सके। तब उन्होंने ये ऑयल का यूज़ किया। उन्होंने क्या किया कि अपने बालों को अच्छे से बहुत छोटा छोटा करवा दिया, एकदम छोटा छोटा, कि बालों को मतलब जो भी वो एप्लीकेशन करें ना जिस चीज़ का भी, तो ईजिली आपकी स्कैल्प में वर्क कर सके। भाई हम लेडीज़ तो ये भी करवा सकते हैं। तो उन्होंने अपने बालों को बहुत छोटा करवाया और उस ऑयल का जो मैं महाभृंगराज ऑयल आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, इस ऑयल का एप्लीकेशन उन्होंने डेली लगाया, डेली अपनी सर पे ऐसे मसाज किया, और हो सके तो अगर आप धूप में बैठ सकते हो तो इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और उन्होंने लगाना स्टार्ट किया जिससे कि उनका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, फिर बाद में उनका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने इस ऑयल का एप्लीकेशन एक महीने कंटिन्यू किया जिससे कि उनके बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो। फिर उन्होंने उस ऑयल को कंटिन्यू रखा जिससे उनके बाल पहले जैसे हो गए। और जो आगे का जो मेन पार्ट होता है ना आपके हेड का, ये मेन होता है, अगर यहाँ से बाल कम हो जाते हैं ना तो आपकी सुंदरता, आपकी स्मार्टनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। भाई कोई भी हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबको ही अपने बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं के कहने पे मैंने भी इस हेयर ऑयल का यूज़ किया। और इसको ना लगाने का तरीका भी बहुत ईजी है, आपको ऐसा नहीं पूरे बालों पर लगाना है। यहाँ मैंने साइड में आपको शो करूँगी कि जो इसकी बॉटल है ना, मैंने छोटी बॉटल से स्टार्ट किया था, पहले मैंने कंटिन्यू रखा था, बाद में थोड़ा स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं अपने DIYs भी हेयर ऑयल जो बना के लगाती हूँ उनकी भी एप्लीकेशन हो जाती है, तो साथ साथ मैं सबका कॉम्बिनेशन रखती हूँ। अब के समय में, पहले जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तब मैं इस ऑयल का काफ़ी यूज़ किया है, मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। अगर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए तो भी ये ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, आपको एक अच्छी नींद चाहिए तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है, साथ साथ आपके बालों को अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी ये इमिडिएटली कुछ हफ्तों में आपकी हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कम कर देगा। इसके एप्लीकेशन के लिए जो मैंने यहाँ बॉटल आपको शो कर रही हूँ ना, ये जो बॉटल मैं आपको शो कर रही हूँ ना, इसमें छोटा सा छोल है, इसमें
उसी से ही आपको अपनी स्कैल्प पे लगाना है। आपको इस तरीके से पार्टीशन करना है और पार्टीशन के थ्रू ना स्कैल्प पे आपको इस तरीके से मसाज करनी। मैंने यहाँ साइड में जो आपको पिक्चर शो कर रही हूँ उसमें आप देखिए, इसका जो कलर है कुछ लाइट ग्रीन कलर का, क्योंकि इसमें महाभृंगराज ऑयल मिला है, मतलब महाभृंगराज के जो भी हर्ब्स है वो मिले हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इसमें हर्ब्स इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। इसमें बहुत सारे जो मैं आपको नाम पढ़ के बता दूंगी, इतनी सारी चीज़ें होने से ही ये तेल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपके बालों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। बहुत समय से मोस्टली लोग नारियल तेल, मस्टर्ड ऑयल इसी का यूज़ कर रहे हैं और ये काफ़ी पावरफुल भी होते हैं जो बालों पर असर भी करते हैं। पर कई बार सबकी स्कैल्प एक जैसी नहीं होती, बाल सबके एक जैसे नहीं होते हैं। किसी को सिंपल ऑयल भी बहुत ज़्यादा सूट कर जाता है और किसी को हैवी ऑयल बहुत ज़्यादा सूट कर जाता है। तो यहाँ पे जो मैं महाभृंगराज ऑयल के बारे में बता रही हूँ, इसमें इतनी सारी हर्ब्स मौजूद है कि आपके बालों का हेयर फॉल भी कम करता है, हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट करता है और साथ साथ आपके बालों को काफ़ी मैनेजेबल और आपके बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। इसका एप्लीकेशन अगर आप रेगुलर बेस पे करोगे तो बेस्ट पार्ट है। आपको सिर्फ जो बॉटल है उसी को इस तरीके से ना, जो उसमें आपका जो होल दिखाई दे रहा ना, उसी से आपको अपनी स्कैल्प पे मसाज करनी। जो भी ऑयल उससे गिरेगा एकदम बहुत ही स्लोली स्लोली गिरता है, तो आपको ऐसा कोई ये नहीं कि अलग से उसको कटोरी में निकालना है या बॉटल में फिल करना, उसी बॉटल से इजिली एप्लीकेशन हो जाता है। तो आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए पूरी स्कैल्प पे लगाना है, सिर्फ इसको स्कैल्प पे मसाज करते हुए लगाना है। इसको आप रेगुलर बेस पे लगाओ अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, सिर्फ हल्के हल्की मसाज करके आप छोड़ देना। 2 दिन हेयर ऑयल कंटिन्यू लगाएं, फिर हेयर वॉश कर दें, फिर आप कंटिन्यू करें, फिर हेयर वॉश करें। ऐसा नहीं कि आप तेल लगा के 1 हफ्ता आपने बालों को छोड़ रखा है। इससे क्या होता है, बालों में डस्ट भी जमा होगी और बालों का हेयर फॉल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको बहुत लंबे समय तक इस ऑयल को रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप 2-2 दिन रखें हेयर वॉश करें, फिर 2 दिन रखें हेयर वॉश करें। इससे आपके बाल भी जल्दी जो होंगे ना ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, आपकी स्कैल्प भी क्लीन होगी। अगर आपकी स्कैल्प पे डैंडरफ है, कोई भी इचनेस प्रॉब्लम है या कोई भी फंगल इन्फेक्शन भी स्टार्ट हुआ है ना, तो भी ये ऑयल आपके बालों को कम कर देगा। भाई भृंगराज के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना जाके, तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना कि आप खुद दंग रह जाओगे। वैसे भी भृंगराज को बालों का राजा बोला जाता है। ये आपको ईजिली भी अगर फ्रेश मिल जाता है आसपास कहीं, तो आप उसको भी अपने किसी भी फेवरेट ऑयल में बॉयल करके अच्छे से पका के भी इस ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हो। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इतना टाइम नहीं होता, ये इजीली नहीं मिलता। ख़ासतौर से जैसे कि आप प्रॉपर सिटी में अगर हो, अगर आप आसपास कहीं गार्डन नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आपके पास टाइम ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट पार्ट है। आप इस ऑयल का एप्लीकेशन हफ्ते में 3 से 4 बार करो, इसके बेस्ट रिजल्ट पाओ। अपने बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे जब हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था तो कैसे मैंने इस ऑयल का यूज़ किया था, कैसे मैंने अपने बालों को बचा लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बालों से परेशान है, बालों के झड़ने से परेशान है, बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, बालों का मतलब कि कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इस ऑयल को यूज़ करके देखो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था आपके लिए छोटा सा वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ। आई होप गाइज आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें, जिससे कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।